So hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और आज इस video lecture के अंदर आपका जो chapter 16 है linear inequalities, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ. इससे पहले हमने आपके chapter number 1 से लेकर के 8 तक complete करा दिया है. Chapter 12, 13, 14, 15 भी हो गया है. आज chapter 16 करना है हम लोग. Chapter 18 और 19 भी हो गया है. Chapter 30 भी हो गया है. बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं. सबके अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और बाकी भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. ये चैप्टर आपका जैसे ही कंप्लीट होगा लीनियर इनइक्वालिटीज, वैसे ही आपका ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपका चैप्टर नंबर 17. ठीक है, चैप्टर नंबर 17 को मैं आराम से पढ़ाना चाह रहा था क्योंकि जो चैप्टर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अच्छा चैप्टर है. और इस चैप्टर को आप समझ करके पढ़ना क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आपके एग्जाम के ओरिएंटेड तो है ही बट आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप जिस भी क्लास में जाओगे लाइक क्लास 9th और 10th, 10th में जाओगे थोड़ा सा इसका ब्रॉड रूप मिलता है ना. चैप्टर ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टिलिनियर फिगर्स हो गया. तो ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. अब ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, ये भी आएगा, बट वो जो चैप्टर्स हैं वो आपको आगे हमेशा मिलेगा. क्लियर? इसीलिए उसको मैं आराम से पढ़ाना चाह रहा हूँ. तो जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर आपका चैप्टर 17 ट्रायंगल से स्टार्ट हो जाएगा और बहुत धूमधाम से उसको भी खत्म किया जाएगा, है ना. बट चलिए अभी हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16. अच्छा देखिए, आपने चैप्टर 15 पढ़ा तो उसका नाम था लीनियर इक्वेलिटीज या फिर क्या था, लीनियर इक्वेशंस था. क्या था? लीनियर इक्वेशंस. अब लीनियर इन इक्वेशंस क्या आ गया? देखो चैप्टर 16 भाई, चैप्टर 15 में आपने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशंस, अब लीनियर इन इक्वेशंस क्या है ध्यान समझिएगा. लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है कि अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के इक्वल होगा. लाइक मैं अब बता रहा हूँ, जैसे इक्वेलिटी की अगर बात किया जाए, इक्वेशन की बात, लीनियर इक्वेशन की बात किया, जैसे मान लो दिया है x इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब कि हमारा जो x होगा वो 3 के इक्वल होगा. इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब कि x इज इक्वल टू 3, x 3 के इक्वल होगा. अगर मान लो दिया y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो y होगा वो x प्लस 5 का सम होगा. यानी x के जगह पर कोई नंबर, मान लो मैंने x के जगह पर 1 रख दिया तो 5 प्लस 1 6 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि ये वाला इस वाले के इक्वल, ये वाला इस वाले के इक्वल होना चाहिए. अब लीनियर इन इक्वेशन में क्या होता है ध्यान समझिएगा मित्र, लीनियर इन इक्वेशन की बात करते ही क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू का साइन हो जाएगा. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड वाला साइड वाले के इक्वल नहीं होगा. क्लियर? इन इक्वेशन का मतलब क्या, इक्वल ना होना. y इज नॉट इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि जो y की वैल्यू है वो x प्लस 5 के इक्वल नहीं होगा. मान लो कि आपको ऑलरेडी गिवन है भैया कि y इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर गिवन है कि x इज इक्वल टू 1. भाई ये होता है जब x में x को 1 मान लिया, 5 प्लस 1 करेंगे 6 आएगा, तो क्या 7 कभी 6 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं. तो इक्वेशन और इन इक्वेशन में उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा. एक और डिफरेंस समझो, जैसे मान लो कि ये होता है x और यहाँ पर दिया है 3, अगर मैंने इक्वल कर दिया तो क्या हो गया भाई, लीनियर इक्वेशन हो गया. चलो ठीक है, नॉट इक्वल कर दिया तो लीनियर इन इक्वेशन हो गया. अब इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ना है दो एक्सरसाइज के अंदर, वो क्या ध्यान समझिए, अगर यहाँ पर लिखा है मित्र एक्स तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है 5, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये साइन आते ही आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए भैया, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन. इसको कैसे पढ़ोगे, तो आप लिखोगे एक्स ग्रेटर देन 5, यानी x आपका किससे बड़ा है सर, 5 से बड़ा है. अगर मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने y इज ग्रेटर देन 3 प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे y ग्रेटर देन 3 प्लस x, यानी कि जो आपके y की वैल्यू आएगी वो 3 प्लस x से ज़्यादा आएगी. x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होगा कि x की जगह पर जो वैल्यू आएगा वो 6 7 8 9 10 आएगा, लेकिन 5 उससे कम नहीं आएगा. तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा लीनियर इन इक्वेशंस में कि अगर एक तो देगा ग्रेटर का साइन, दूसरा देगा स्मॉल का साइन, तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का मतलब क्या होता है वो समझो आप. अगर मान लो यहाँ पर दे दिया आपको एक्स इज ग्रेटर देन 8, एक्स इज ग्रेटर देन 8 का मतलब हो गया कि एक्स की जो भी वैल्यू आप मानोगे, एक्स की आप जो भी वैल्यू मानोगे वो क्या होगा, 8 से बड़ा होगा. 8 से क्या होगा, बड़ा होगा. अब 8 से बड़ा होने का मतलब हो गया कि जो वैल्यू होगी वो आपका 9 10 11 12 13 14 डॉट इनफाइनाइट तक होगा. बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 8 भी नहीं होगा, है ना. अगर मान लो दे दिया x इज लेस देन 3, क्या दे दिया x इज लेस देन 3, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे लेस देन. क्या पढ़ेंगे, लेस देन. तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 3,
यानी कि जो आपका x है वो किससे छोटा है, 3 से छोटा है, यानी कि अब जो x की वैल्यू आएगी वो 3 से छोटा ही होगा। भाई देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा होता है ना। जिसकी तरफ ऐसा साइन दिख जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा, इधर वाला हो जाएगा छोटा। देखिए, इधर मुंह खुला हुआ तो x बड़ा, 5 छोटा, इधर मुंह खुला हुआ है तो 3 बड़ा, x छोटा। तो जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है वो क्या हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा, और जिसके तरफ नहीं खुला वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर हुई चीज? जैसे आप देखो, कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो कहीं भी एंट्री मिल जाता है, कहीं भी एंट्री मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी होटल में जाए, रेस्टोरेंट में जाए, कहीं भी जाए। और आप देख लो, छोटे मोटे जो लोग होते हैं उनको एंट्री मिलता है क्या? देख के लोग कहते हैं अरे क्या होगा, है ना। तो ग्रेटर और स्मॉल यही होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो क्या है, ग्रेटर है, जिसकी तरफ बंद है वो क्या होगा, स्मॉल हो गया। बहुत बड़े बड़े रिचेस्ट लोग हैं हमारे इंडिया में, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो लोग जो चाहें वो परचेज कर सकते हैं, जो चाहें वो खरीद सकते हैं, बट मेरे जैसे लोग तो नहीं खरीद सकते हैं अभी, है ना। हम सोच सकते हैं कि भाई BMW ऑडी लिया जाएगा, बट हो नहीं सकता ना। तो बड़े लोगों के लिए सब कुछ खुला है और छोटे लोगों के लिए बंद रहता है। क्लियर ये चीज़ें? बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान छोटा है उनसे छोटा ही रहता है ना, बड़ा भी हो सकता है, होगा भी कभी ना कभी यार, बस मेहनत करते रहिए। तो x ग्रेटर देन 8 का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी हो जाएगी। ये तो आपको समझ में आया कि भैया चलो इक्वल टू हो गया तो लीनियर इक्वेशन बन गया, इक्वल टू नहीं हुआ तो लीनियर इन इक्वेशन बन गया, ग्रेटर या स्मॉल हो गया तो लीनियर इन इक्वेशन बन गया। एक चीज और ध्यान समझिएगा, एक नया टर्म आता है मित्र, और वो नया टर्म क्या है, तो ये नया टर्म आपका है जैसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब ये क्या आ गया भाई, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो एक्स की वैल्यू हो वो 5 से बड़ी भी हो और 5 भी हो। 5 से बड़ी भी और 5 भी होगा मतलब क्या हो गया, कि जो आपकी एक्स की वैल्यू आ रही है वो 5 तो है आपका, उससे बड़ी हो, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट हो, लेकिन 5 भी हो साथ में, तो x इज इक्वल टू 5। इसको आप क्या पढ़ोगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपकी x की वैल्यू होगी वो 5 भी होगी और 5 से बड़ी भी होगी डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये हो गया। अब लेस देन इक्वल टू भी होगा नो डाउट, अगर मान लो यदि x इज लेस देन और इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू होगी वो छोटी भी होगी और इक्वल भी होगी -3 के, यानी इक्वलिटी का साइन आते ही हम इस डिजिट को भी लेंगे। जैसे ही इक्वलिटी का साइन आ गया हम उस डिजिट को भी लेंगे, उसे छोटी और बड़ी डिजिट को भी हम लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लो अगर आपको कहीं पर दे दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, अब -2 यानी कि ये जो वैल्यू देती है, पूछा कि बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कह सकते हो भाई x की जो वैल्यू -2 से बड़ी हो तो -2 से बड़ी क्या होगी, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, डॉट डॉट इनफाइनाइट होगी। लेकिन इक्वल टू का भी साइन है तो और कौन सा डिजिट लेकर के चलेगी, -2 का भी साइन या लेकर के चलेगी। अब मान लो ये इक्वल टू ना होता, केवल दिया होता x इज ग्रेटर देन -2, तो ये -2 यहाँ पर नहीं होता। होप यू अंडरस्टैंड, बस यही खेल है मित्र, यही अगर आप समझ जाओगे तो लीनियर इन इक्वेशन बहुत आराम समझ जाओगे और बहुत ईजी चैप्टर है यार। अब जैसे मान लो यहाँ पर दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर 6 भी लेंगे और 6 से बड़े डिजिट भी लेंगे, 6 से छोटा नहीं ले सकते। आपको जो एक्सरसाइज 6A है ना, उसमें केवल और केवल आपको दिया हुआ है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, उसको आपको मैच करना है कि कौन सा ग्राफ किससे मिल रहा है, कौन सा ग्राफ किससे मिल रहा है। तो कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ग्राफ भी समझाना एकदम अच्छे से बता दूंगा। प्रॉपर्टीज़ देखिए भाई, इनइक्वालिटीज़ के क्या है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनइक्वेशन तो आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इनइक्वेशन होता क्या है। अब इनइक्वालिटीज़ का थोड़ा सा और देख लो कि चीज़ें होती क्या है। Adding to मतलब किसी भी नंबर को ऐड करना, और subtracting from या किसी भी नंबर से subtract करना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है adding to का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को जोड़ना। subtracting from का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर से माइनस करना। Both sides, दोनों साइड में of an inequality, any non-zero number product produces an equivalent inequality। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक इनइक्वेशन दिया हुआ है, उसमें अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं जो डिजिट दिया हुआ है उसको, तो हमारा वो क्या निकल करके आएगा, लीनियर इनइक्वालिटी आएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने किया है, यहाँ दिया मित्र कि x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5, समझिएगा ये चीज़, दिया है x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5। अब समझो, अगर मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया ये बताओ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप क्या कहोगे, सर कई बार बता चुके हैं हम, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी।
भाई यही करते हो ना, इसके अलावा कुछ करते नहीं है ना हम लोग। x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो क्या करते हो, माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, तो x की वैल्यू 8 आ जाती है ना। इनइक्वालिटीज में क्या करना है, इन इक्वेशन में क्या करना है, ध्यान समझिएगा मित्र, सेम काम करना है। देखो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5 था, उधर जाकर के माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ा कौन रहेगा, एक्स ही रहेगा। और एट लास्ट जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 8। यानी कि जो x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट 8 है, ना तो 7 है ना तो 9 है, एग्जैक्ट 8 है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 8 से बड़ी है। 8 से बड़ी का मतलब हो गया कि 9, 10, 11, 12, डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक। तो अब समझिएगा, इक्वल का मतलब केवल एक वैल्यू, इनइक्वालिटी का मतलब एक से अधिक वैल्यू। यानी x ग्रेटर देन 8 का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 8 से बहुत बड़ी होगी, यानी जितने भी डिजिट आते हैं वो सब होगी। अब देखो यहाँ पर दिया x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3, x प्लस 1 ग्रेटर देन 3 दिया है, तो इसको हम कैसे करते हैं, तो देखो भाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 को कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है ना। तो x का वैल्यू एग्जैक्ट 2 होगा, x का वैल्यू एग्जैक्ट 2 होगा, बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ग्रेटर का साइन हो गया, इसका मतलब x ग्रेटर देन 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से ज़्यादा, 2 से बड़ा मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। x इज ग्रेटर देन 8 का मतलब क्या है, 8 से बड़ी वैल्यू ना कि 8, 2 से बड़ी वैल्यू ना कि 2, तो 2 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है चीज़, समझिएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द सेम पॉजिटिव नंबर प्रोड्यूसेस एन इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी। अगर आपने बुक में देखोगे तो प्रॉपर्टी जो दिया है ना मित्र, उसको मैं डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है, बट मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि सिंपल वे में हम कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में भी आएगा और एग्जाम में मार्क्स भी मिलेगा। तो आप बस इस तरीके से करते हैं, जो स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप उसको भी देखो, और यहाँ जो पढ़ाई जा रही है वो भी देखो, तो जो मेथड आपको ईजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व करिए। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया 5x इज ग्रेटर देन 15। अब जैसे मान लो मैंने आपको बताया ना कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सीरियस कर लो, जब भी हम क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व, तो हम किस तरीके से करते हैं आपको पता होगा। जैसे मान लो कि ये दिया है 5x ग्रेटर देन 15, अगर मान लो मैं इसको करूँ 5x इज इक्वल्स टू 15, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये ऐसे होता है ना मित्र, x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5, काटा पिटी खून खराबा, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 3, यानी कि एग्जैक्ट 3 आता है ना। इसमें क्या हो जाएगा मित्र, 5x ग्रेटर देन 15, अब आप बताओ क्या हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन 15 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 5 उधर चला जाएगा, तो 15 अपॉन 5 काटा पीटी खून खराबा, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 से बड़ी आ गई, 3 से ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। डिवीजन में दिया x by 3 इज ग्रेटर देन 2, डिवीजन में क्या करते हो भाई समझो, अगर मान लो दिया x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, तो क्या करते हैं, तो आपको सर डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कर दीजिए, तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो x की वैल्यू एग्जैक्ट 6 आ गई, ना तो x की वैल्यू 5 होगी ना 7 होगी, क्या होगा, केवल 6 होगा। बट इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, देखो मैं दोनों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, अगर आप दोनों रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और बहुत अच्छे से आप कर भी लोगे, बट अगर आप रिलेट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो समझिएगा x इक्वल टू का मतलब क्या, एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 ग्रेटर देन 2 का मतलब हो जाएगा 3 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 का मतलब 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, क्या आएगा, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 इनफाइनिट। सो होप कि मित्रों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यार, सिंपल है ना। तो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग आपका एक्सरसाइज ए भी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो परेशान मत होइए, इसी में एक्सरसाइज आपका 16 ए पूरा कंप्लीट करेंगे, बट कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, उन प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं, फिर आपका एक्सरसाइज 16 ए और बी सॉल्व करके चैप्टर खत्म करेंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग कि हम लोग चैप्टर 17 ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा कि बहुत अच्छा चैप्टर है। क्लियर, तो चलिए मित्र इसको इरेज करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बताते हैं, फिर एक्सरसाइज 16 है सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही, समझ में आ रहा तो लाइक कर देना यार। चलो देखे देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द सेम नेगेटिव नंबर प्रोड्यूसर्स एन इनइक्वालिटी विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई सम दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें अगर आप दोनों साइड में नेगेटिव नंबर से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो,
मान लो कि एक इक्वेशन दिया है, उसमें आप दोनों साइड में नेगेटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो नहीं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो साइन है वो साइन चेंज हो जाता है। लाइक समझिए, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 3, मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया -1 से और 4 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया -1 से कर दिया, तो आप खुद सोचो कि -3 बड़ा होता है कि -4 बड़ा होता है। तो आप कहेंगे कि सर -3 बड़ा होता है ना कि -4 बड़ा होता है, ये जो हो जाएगा आपका ये बन जाएगा मित्र -3 इज ग्रेटर देन -4। इसमें तो कंफ्यूजन मत रखिएगा मित्र कि देखो क्या होता है कि जब एक नंबर लाइन होता है, एक नंबर लाइन होता है, मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना, जैसे मान लो एक नंबर लाइन होता है, ध्यान समझिएगा, नंबर लाइन में यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 1, 2, 3 डॉट 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 जाता है इन्फाइनाइट तक, ये जाता है -1, -2, -3 डॉट 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 -इन्फाइनाइट। इसका मतलब 0 से हम जैसे ही राइट साइड में आगे बढ़ते हैं ये पॉजिटिव होता जाता है, यानी वैल्यूज बड़ी होती जाती हैं। जैसे ही हम 0 से पीछे आते हैं वैल्यूज डिक्रीज होने लगती हैं, यानी 0 से राइट जाने पे इंक्रीजिंग होता है, 0 से लेफ्ट आने पर डिक्रीजिंग होता है, यानी कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बड़ा होता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन में क्या होता है कि 0 के बाद -1 तो 0 -1 से बड़ा, -1 के बाद -2 तो -1 -2 से बड़ा, -2 के बाद -3 तो -3 जो है वो -2 से छोटा होगा। तो ये सारे सीन होते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3 क्या है आपका, देखो 4 से तो छोटा है, 3 4 से छोटा है, बट जैसे ही हमने दोनों साइड में नेगेटिव का साइन लगा के मल्टीप्लाई कर दिया, -3 क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन 8 है, यहाँ पर चलो लिख लो x का मल्टीप्लाई कर दो -1 से और 8 का भी मल्टीप्लाई कर दो -1 से, क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा -x, और रूल के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो जैसे ही चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, -x is less than -8, क्या बन जाएगा, -x is less than -8, यानी कि जो -x की वैल्यू होगी वो किससे छोटी होगी, -8 से छोटी हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कह रहा है -x is greater than -8, क्या कह रहा है, -x जो है -8 से ग्रेटर है, तो भाई ये बताओ कि जब -x है इसका मल्टीप्लाई मैं -1 से कर दूं, ग्रेटर देन -8 का मल्टीप्लाई -1 से कर दूं, तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगा ना, जिस जगह x is less than +8। यानी क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा, जब एक इक्वेशन में दोनों साइड हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जा रहा है, साइन चेंज हो जा रहा है। क्लियर ये चीज़ें, चलो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आएगा। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज, हमारे लास्ट प्रॉपर्टी समझो क्या कह रहा है, कि डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय ए पॉजिटिव नंबर डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। अब देखो जैसे 20 ग्रेटर देन 50 है ना, मान लो मैंने कर दिया कि 20/5 ग्रेटर देन 15/5, काटा पेटी खून खराबा 4, 5, 3 = 15, तो ये भी आ गया क्या, 4 is greater than 3 होता है ना। यानी कि कह रहा है कि जब भी अगर हम किसी भी दो इनइक्वालिटीज में डिवाइड करते हैं सेम नंबर को, तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय ए पॉजिटिव नंबर डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। और याद करिएगा मित्र, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मैंने पॉजिटिव नंबर से ही तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है ना, तो किसी भी नंबर को जो भी इनइक्वालिटी दिया है अगर हम पॉजिटिव नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों में, तो हमारा जो इनइक्वालिटी है, जो साइन है, वो चेंज नहीं होता। 12x is greater than 48 दिया हुआ है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यही होगा ना भाई, देखो 12x 12 मल्टीप्लाई में है, तो x is greater than 48/12, काटा पीटी खून खराबा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x is greater than 4, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो 4 से ज़्यादा आएगी ना कि 4 आएगा, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, x की जो वैल्यू आएगी वो 4 से ज़्यादा होगा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है। चलो, डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाई ए नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वालिटी, यानी ऊपर क्या कह रहा था कि किसी भी नंबर को, किसी भी इनइक्वालिटी को अगर आप पॉजिटिव नंबर के साथ क्या करोगे मित्र, डिवाइड करोगे, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। बट यहाँ कह रहा है कि जैसे ही आपने अपोजिट साइन लिया, जैसे ही आपने नेगेटिव साइन लिया, क्या हो जाएगा सर, कहानी बदल जाएगा। यही होता है ना, आप जीवन में कितने भी पॉजिटिव रहें, एक नेगेटिव इंसान आकर के आपको भी नेगेटिव कर सकता है। हमारे अंदर ये साइकोलॉजी के अनुसार नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है
किसके रेस्पेक्ट में? पॉजिटिविटी के। पॉजिटिविटी यहाँ कम घुसती है लेकिन नेगेटिविटी तुरंत जाती है। हरी ऑप्शन में इसीलिए कहा जाता है ना, साथ चुने और बेहतर साथ चुने। ठीक, कभी कभी दोस्ती तोड़ना भी अच्छी दोस्ती होती है। अगर आपका कोई दोस्त है और अगर आपको लग रहा है कि भैया चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो ठीक। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये जैसा है वैसा ही है, छोड़ दो ना, क्यों इतने परेशान। ठीक, तो अगर सुधार सको तो सुधारो, नहीं तो फिर छोड़ दो। आपका डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाई ए नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वालिटी। जैसे मतलब 21 बाई 14 है, मैंने इसको लिख दिया 21 अपॉन माइनस 7 ग्रेटर देन 14 अपॉन माइनस 7। अब देखो क्या 21 तो 14 से बड़ा है, बट जैसे ही नेगेटिव से मैंने दोनों से डिवाइड कर दिया, काटा पीटी खून खराबा 3, ये कितना आ गया 2। अब आप क्या कहोगे, ये माइनस जाहिर से होता है नेगेटिव, तो आप लिखोगे ना जो माइनस 3 होगा भैया वो लेस देन माइनस 2 होगा। यानी माइनस 3 बड़ा होगा कि माइनस 2 बड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर माइनस 2 बड़ा होगा। यहाँ पर 21 बड़ा होगा कि 14 बड़ा होगा, तो 21 बड़ा हुआ। सोच लो कि पॉजिटिव में क्या था, 21 बड़ा था, 14 छोटा था, लेकिन इसने इतना नेगेटिविटी भर दिया कि क्या हो गया, ये छोटा हो गया, दूसरा वाला बड़ा हो गया। यही होता है भाई, बच के रहना है ना, संभल के दोस्ती करिए। माइनस 16 लेस देन माइनस 12। अब क्या करोगे, देखो ये दोनों ऑलरेडी नेगेटिव थे, एक और बंदा आ गया जो इनको और नेगेटिव कर दिया। माइनस 16 अपॉन, चलो मैंने माइनस 4 कर दिया, माइनस 12 अपॉन माइनस 4 कर दिया, माइनस से माइनस उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, काटा पीटी खून खराबा 4 3 12। अब बताओ क्या होगा, साइन चेंज हुआ कि नहीं, ये हो जाएगा 4 is greater than 3। यानी कुल मिला जुला करके ये जो प्रॉपर्टीज थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपको इन प्रॉपर्टीज में बताया गया है। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ेंगे ग्राफ की तरफ। ग्राफ छोटा सा ही है, मैं यहीं समझा दे रहा हूँ, समझो, बहुत एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया कि होता है 0, ये होता है आपका 1, ये होता है आपका 2, ये होता है आपका 3। समझिएगा, बस समझिएगा धीरे धीरे चीज़ों को। ये होता है 5, ये होता है 6 डॉट डॉट, इट इज़ इनफाइनाइट। ये होता है आपका -1, ये होता है -2, ये होता है -3, ये होता है -4 डॉट डॉट डॉट, माइनस इनफाइनाइट। अब एक चीज़ ध्यान समझिए, अगर आपको मान लीजिए दिया हो कि भैया चलो x इज ग्रेटर देन 1 का ग्राफ बनाओ, x इज ग्रेटर देन 1 का ग्राफ कहते ही आपको क्या समझ में आएगा कि भैया x की वैल्यू 1 से बड़ी, यानी कि यहाँ पर और यहाँ से जो पूरी वैल्यू है, यहाँ से जो पूरी वैल्यू है, क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। उम्मीद करना समझ में आया होगा। देखो 1 से बड़ी यानी कि ऐसे तरीके से आप दिखा दोगे। अब मान लो कि एक नया ग्राफ बना इस तरीके से, यहाँ है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। अब आपसे कहते हैं कि भैया ग्राफ बनाओ, x की जो वैल्यू हो ये -1 से बड़ी हो। समझिएगा, x की जो वैल्यू हो -1 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो। भाई इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है -1, इसको इस तरीके से अगर लिखा पढ़ेंगे -1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, यानी x की वैल्यू -1 से तो बड़ी है लेकिन किससे छोटी है, 2 से छोटी है। तो नंबर क्या क्या हो गया भाई, -1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो 0 1, और बस 0 और 1 दो ही नंबर आएगा ना, क्योंकि -1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, तो 0 और 1 ही आएगा इसके बीच में। अब कह रहा है कि -1 से बड़ी 2 से छोटी ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे, आप कहोगे देखो भाई -1 की बात करें तो -1 को छोड़ दो, -1 से बड़ी तो 0 को पकड़ लो, 2 से छोटी तो भाई 2 से नीचे क्या आ जाएगा, ये तो ग्राफ ऐसा बन गया। यानी कि ग्राफ कैसा बन जाएगा, 0 और 1, यानी कि 2 नंबर आया। क्लियर है चीज़। अब समझो, जैसे मान लो कि अगर आपको एक ग्राफ और करके बता देता हूँ सिंपल वे में, अच्छे वे में, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, तो समझिएगा चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कह रहा है कि एक ग्राफ बनाओ भैया जिसमें एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन -3 है, ऐसा ग्राफ बनाओ जो कि -3 से बड़ा हो, तो आप क्या कहोगे भाई, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इनफाइनाइट। अब कह रहा है -3 से बड़ी, तो -3 से बड़ी यानी कि -3 को नहीं लेंगे, 2 को लेंगे या -2 को लेंगे, और ग्राफ कैसे कर देंगे, इस तरीके से शो कर देंगे कि देखो ये वाला जो ग्राफ है हमारा x इज ग्रेटर देन -3 का बन गया। अब मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन देते कि चलो भैया बनाओ x की जो वैल्यू है वो -5 से बड़ी हो,
और 5 से छोटी हो, माइनस 5 से बड़ी और 5 से छोटी, तो माइनस 5 और 5 के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे? माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, इतने नंबर आ जाएंगे ना। माइनस 5 भी नहीं लेना और प्लस 5 भी नहीं लेना, इनके बीच का नंबर लेना है। अब ये ग्राफ अगर आपको बनाना हो तो मान लो माइनस 5 यहाँ पर है, प्लस 5 यहाँ पर है, तो क्या करोगे? इसको इसको नहीं लेना, तो ग्राफ आप कैसे दिखाओगे? देखो भैया, ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफ है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ग्राफ बनाना और पहचानना आ गया है ना, नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और एक्सरसाइज 16A पूरा सॉल्व करते हैं और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो आइए फिर एक्सरसाइज 16A इसी स्लाइड में खत्म कर दिया जाए। देखो भैया, एक्सरसाइज 16A में पहला क्वेश्चन दे रहा है कि मैच द इनइक्वालिटीज विद द ग्राफ, यानी कि ग्राफ से आपको क्या करना है, मैच करना है। यानी एक साइड ग्राफ दिया है और एक साइड आपको इनइक्वालिटी दिया है। देखो कह रहा है कि एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस टू, यानी कि जो आपकी वैल्यू होगी एक्स की वो माइनस टू भी होगी, इससे छोटी भी होगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप दो चीज़ नोटिस करोगे ग्राफ में, एक तो है ऐसा और दूसरा है ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि केवल, जैसे मान लो कि अगर ये टू पर है तो आप लिखोगे एक्स इज ग्रेटर देन टू, यानी कि टू के आगे की बात कर रहा है, टू की बात नहीं कर रहा है। ये भी मान लेते हैं अगर टू पर है तो इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यानी कि इसको भी काउंट करना है और आगे वाले को भी काउंट करना है, तो इसका मतलब ये होता है। अब कह रहा है एक्स की जो वैल्यू हो माइनस टू से छोटी भी और माइनस टू भी हो, तो पहले तो इन दोनों में कन्फ्यूजन दूर करिए कि ये वाला होगा क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है। एक्स की वैल्यू माइनस टू हो, देखो यहाँ माइनस टू पर कुछ नहीं है, माइनस टू पर कुछ नहीं है, माइनस टू पर कुछ नहीं, देखो यहाँ माइनस टू पर है, ये बन सकता है। लेस देन और इक्वल्स टू माइनस टू, यानी कि माइनस टू से छोटा हो और माइनस टू भी हो, तो भैया आप कहोगे कि पहले का आंसर कौन सा सही होगा? तो पहले का आंसर होगा डी। पहले का क्या आंसर होगा? डी, क्योंकि देखो एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस टू का मतलब क्या है कि माइनस टू से छोटा, माइनस टू को लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस फोर जो है आपका वो लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन जीरो है, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो से छोटी है माइनस फोर तक है, यानी माइनस फोर से लेकर के कहाँ तक है? माइनस वन तक है, क्योंकि जीरो तो होगा नहीं, तो माइनस फोर से लेकर के कहाँ तक है? वन तक है, तो सॉरी माइनस वन तक है, तो माइनस फोर से माइनस वन तक, माइनस फोर से, हाँ ये देखो ये है ना, और देख लो, और तो कोई नहीं है भाई, और तो कोई नहीं है, और तो कोई नहीं है, और तो कोई नहीं है, और तो कोई नहीं है ना। तो ये देखो माइनस फोर से लेकर के वन तक, लेकिन ये देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाला साइन है, ये वाला, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करना है लेकिन उसको लेना है। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा मित्र? तो ये आपका आ जाएगा जी, सेकेंड वाले का आंसर क्या आएगा? जी। आप अपने बुक में देखते रहिएगा, बुक में देखेंगे तो आराम से कर लेंगे। ठीक, सेकंड वाले का हो गया जी। थर्ड वाले की बात करें, माइनस थ्री से छोटा हो और फोर को लेते हुए, यानी कि माइनस थ्री से प्लस फोर के बीच में, माइनस फोर, माइनस थ्री से प्लस फोर के बीच में, माइनस थ्री से प्लस फोर के बीच में, माइनस थ्री से प्लस फोर के बीच में, देखो माइनस थ्री से प्लस फोर के बीच में ये वाला ग्राफ है यानी एफ। तो थर्ड वाले का क्या बन जाएगा सर? थर्ड वाले का बन जाएगा एफ, थर्ड वाले का बन जाएगा एफ। क्लियर है? तो पहले का कौन सा? पहले का डी, यहाँ पर लिखते जाओ पहले वाले का डी। दूसरे वाले का कौन सा? तो दूसरे वाले का जी। तीसरे वाले का कौन सा? तो तीसरे वाले का एफ। फोर्थ देखो, जीरो भी हो और फाइव भी हो, यानी जीरो से पाँच के बीच में, जीरो से फाइव के बीच में, जीरो से फाइव के बीच में, जीरो से फाइव के बीच में, देखो जीरो से फाइव के बीच में आ गया, तो ई वाला। ये आपको अपने से ही थोड़ा सा करना पड़ेगा दिमाग लगा करके ना, ये ई वाला सही है, तो थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाना। फिर कह रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये देखो ये जीरो से फाइव है तो ये तो होगा नहीं, ग्रेटर देन जीरो ये वाला है ना, ग्रेटर देन, देखो जीरो नहीं लेना है लेकिन जीरो से बड़ा लेना है, तो यहाँ पर ये वाला साइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका साइन बन जाएगा ए। तो फिफ्थ वाले का आंसर क्या बन गया? ए बन गया। सिक्स्थ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू फोर, लेस देन और इक्वल टू फोर यानी कि चार भी हो, चार से छोटा भी हो, चार भी हो, चार से छोटा, चार, चार से छोटा, देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, फोर, हाँ ये देखो ये है ना, ये देखो फोर और फोर से सारा छोटा, ध्यान दीजिएगा फोर भी हो और इससे छोटा सारा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। बस ग्राफ आप देखिए समझ में आ जाएगा। एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है माइनस थ्री से बड़ा हो, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से बड़ा हो तो कौन कौन सा बचा? ये बचा और सी बचा, माइनस थ्री से बड़ा, देखो माइनस थ्री से बड़ा ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो गया? सी। और एक ही बचा तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा एच। तो एच हो गया। फोर्थ का आंसर कौन सा है? ई है। इसका आंसर कौन सा है? एफ है। इसका आंसर जी है और इसका आंसर डी। तो कुल मिला जुला करके ये तो था आपका एक्सरसाइज 16A। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, बहुत टफ नहीं है, हलवा है भाई, सिंपल है।
चलिए मित्र, तो आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में। और एक्सरसाइज आपका 16B सॉल्व कराएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर 17 जो कि ट्राइंगल है वो स्टार्ट करेंगे और उसको भी अच्छे से खत्म कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, वहाँ से सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। और देखिए यार, मैंने कोशिश किया है कि मैथमेटिक्स में बहुत इजी तरीके से आपको समझा सकूं, तो अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है मेरे वीडियो लेक्चर से, तो अपने फ्रेंड्स को भी आप सजेस्ट करो कि वो भी देखें, ताकि मैथमेटिक्स उनका भी इजी हो जाए। चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात। तब तक लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।